महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन हुड़केश्वर स्थित मैदान पर किया है। इस मेले का लुत्फ परिसर के नागरिक उठा रहे हैं। मेले में कई चीजों के स्टॉल देखने मिल रहे हैं, साथ ही फूड स्टॉल और मेले का विशेष आकर्षण है अम्यूजमेंट पार्क और कई तरह के झूले, आकाश झूला, साथ ही डोंकी सर्कस। तो जल्द आइए और इस मेले का लुत्फ उठाएं, क्योंकि 28 नवंबर तक ही इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसका हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख द्वारा मेले में आए लोगों से संवाद साधा। तो क्या कहा है, आइए ये सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा जो है मेले का आयोजन किया गया है और काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर ये मेले का आयोजन हुआ है। हम यहाँ आए हैं, यहाँ जो लोग आए हैं उनकी प्रतिक्रिया जाने, चलिए जानते हैं उन्हीं से कि इस मेले के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। चलिए मेला आहे आम्हाला खूप चांगलं वाटतं, खूप छान वाटते। हा मेला खूप छान आहे आणि आम्ही इथे फर्स्ट टाइम आलो आहोत, तरी पण फॅमिली सोबत आणि खूप एन्जॉयमेंट करू। आज पहिल्यांदाच आलो आहे फॅमिली सोबत, माझा भाऊ वहिनी वगैरे आले आहे बाहेर गावावर ना, मग त्यांना दाखवायसाठी घेऊन आली आहे। मेळा छान वाटत आहे, एन्जॉय करत आहे, छोटे मुलं वगैरे सोबत एन्जॉय करून आले सगळेजण। छान आहे, एकदम सुंदर आहे आणि खूप मस्त एन्जॉयमेंट आहे आणि लहान मुलांसाठी खूप सुंदर आहे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद आए फॅमिली के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना की वजह से बंद था, सब बढ़िया हो गया, अभी सब फॅमिली आ गई है, बच्चे उच्चे सब आ गए है मेला देखने, एंजॉय कर रहे है मस्त। तो चलिए हमारे साथ है यहाँ जो मेला देखने आए हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या बताओगे सर आप। मुझे लगता है यहाँ पे जो है ये मेले का लुत्फ ले रहे हो, कुछ तो आप अभी खेल रहे थे, क्या बताओगे मेले के बारे में। एक्चुअली मैं ये जो खेल रहा था ये बचपन में, यू नो आई यूज टू प्ले दिस, तो मेरे को मेरे बचपन की याद आ गई कि हम लोग ऐसा रिंग लेके 20 रुपीज में 4-5-6 एंड वी यूज टू प्ले दिस रेगुलरली, यानी हम लोग आते थे और हम लोग खेलते थे जितने भी दिन मेला चलता था वो पर्टिकुलर एरिया में, तो वो यादें आ जाती है, अच्छा लगता है यू नो जब अपन यू नो सब लोगों के साथ आते हैं घर वालों के साथ, तो एक अलग फीलिंग रहती है। मेला बहुत अच्छा है, हम सब फैमिली के साथ आए हैं, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों के साथ आए हैं। 28 तारीख लास्ट टाइम ये मेले की, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हुड़केश्वर में, बहुत ज़बरदस्त पब्लिक चली, बस नेक्स्ट मंथ में अभी ट्राई करेंगे लगाने का, बस आपका सपोर्ट होना पब्लिक सीयर एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपके सिटी ने यहाँ पे आके हुड़केश्वर में वगैरह देखेंगे अभी नेक्स्ट टाइम। आम्ही कोरोनामुळे आतमध्ये असल्यामुळे आमचे मुलं वगैरे मेल्यामध्ये आलो आहे आम्ही आणि एन्जॉय सुरू आहे आमचा, खूप छान। महिला स्वयंरोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा जो है ढगे के बंगले स्थित एक मैदान पर जो है मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं कि झूले हैं, कई विविध जो है गेम्स बच्चों के लिए है, कई वस्तुओं के चीज़ों के यहाँ स्टॉल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये वैसे तो ये मेला लगा हुआ अभी एक महीना हो रहा है और आने वाले रविवार तक ये जो मेला है यहाँ पर रहेगा, जिसका आसपास के लोगों ने, परिसर के नागरिकों ने बड़ी मात्रा में लाभ ले, ऐसी ही अपील हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मेले का आयोजन किया गया है बड़े ही दिनों बाद ऐसे मेले का आयोजन हुआ है कोरोना के बाद, और जिस तरह से यहाँ पे बच्चों के लिए विविध झूले हैं, खिलौने हैं रखे गए हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पर आकर बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ ही बड़े भी यहाँ पर आकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।